टू माय चैनल। आप श्रीवास्तव, जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में आज बच्चों को राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 से लेके 10 तक बच्चों को राइट करना है, देन बैक काउंटिंग 10 to 1 राइट करना है। तो पहले आप बच्चों को 1 से लेके 10 तक राइट कराएंगे, फिर बैकवर्ड काउंटिंग राइट कराएंगे 10 to 1। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इन दिस स्टेप आपको बैकवर्ड काउंटिंग 10 to 1 और 1 to 10 राइट करा के फिर बैकवर्ड काउंटिंग बच्चे को सिखानी है। देन आफ्टर राइट द मिसिंग नंबर इन ईच रॉ। यहाँ पर रॉ में जो भी मिसिंग नंबर है उसे बच्चे को कंप्लीट करना है, जैसे कि 11, 12, 13, 14 मिस है और 15 राइट है, तो इन दिस टाइप करना है। देन इसी तरह से नेक्स्ट ले लीजिए, यहाँ पर ये मिस हुआ है तो 11, 12, 13, 14, 15। इसी तरह से 12, तो जो मिसिंग नंबर होगा वो बच्चे भरेंगे। यहाँ पर 13 है तो जो मिसिंग नंबर होगा वो भरेंगे, और यहाँ पर 15 है तो जो मिसिंग नंबर होगा वो भरेंगे। तो इन दिस टाइम बच्चों को आपको आज मिसिंग देना है। तो एज यू कैन सी, आप नोट डाउन कर सकते हैं आज का होमवर्क। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में बच्चों को जे से लेके जेड तक स्पेलिंग राइट करनी है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी डॉटर स्पेलिंग फॉरगेट कर रही थी, तो उसको दोबारा लर्न करा के मैंने प्रैक्टिस कराई, इसीलिए जे से लेकर जेड तक हम आज बच्चों को देंगे। और इनको अगर बच्चे फॉरगेट करते हैं तो आप दोबारा इसे लर्न करा के राइट कराएंगे। जब तक स्पेलिंग अच्छी तरह से लर्न नहीं हो जाती है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में बच्चों को मिलते जुलते हुए शब्द की हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो कर, घर, दर, बस, दस, नस, तब, जब, टब, नग, लग, ठग। तो ये बच्चों को देख करके राइट करना है। तो जिस तरह से मैंने राइट किया है उसी तरह से बच्चे राइट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।